नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश जी की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको पूरा करना है। पूरे प्रैक्टिस सेट के बाद आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने हमारे यूपी जीके के इस प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही किए और आपको किन किन प्रश्नों का उत्तर पता था और किन किन प्रश्नों का उत्तर पता नहीं था। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए यूपी जीके का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। तो किसके लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। एक जिला एक उत्पादन में फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। कौन सा है? सारस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की पहाड़िया जनजाति निवास करती है, तो कहाँ पर निवास करती है पहाड़िया जनजाति ये आपको बताना है। तो कहाँ पर करती है पहाड़िया जनजाति निवास, तो ये करती है सोनभद्र में। कहाँ पर? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में रैनकूट में हिंडालको की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, तो किसकी किसकी निकटता के कारण ये स्थित है ये आपको बताना है रैनकूट में हिंडालको, तो इसकी है ये है शक्ति के स्रोत से। किसकी? शक्ति के स्रोत से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो कहाँ से प्रकाशित होती है कल्याण पत्रिका ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वह स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है हिंदुस्तान एकेडमी, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो किस फसल में भारत सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो ये नहीं है चावल में। किसमें? चावल में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सैयद सालार मेला आयोजित होता है, तो कहाँ पर लगता है सैयद सालार मेला ये आपको बताना है। तो कहाँ पर लगता है सैयद सालार मेला, तो ये लगता है बहराइच में। कहाँ पर? बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अभिनालिका अपरदन से संबंध सर्वाधिक प्रभावित है, तो कौन सा जिला अभिनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है, तो ये प्रभावित जिला है इटावा। कौन सा है? इटावा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं जनगणना 2011 आपको पढ़ा चुका हूँ, इससे बनने वाले सारे प्रश्न में आपको करा चुका हूँ, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% था, ये 4% नहीं थी, ये इसी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है, तो किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार, तो ये है महोबा। किसकी है? महोबा की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है, तो किस जनपद की उच्चतम साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में ये आपको बताना है, तो किसकी है? तो ये है गाजियाबाद। किसकी? गाजियाबाद की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था विधानसभा में प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का, तो ये प्रस्ताव हुआ था 21 नवंबर 2011 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में, सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सही है। देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर, ये भी सही है। जे के मंदिर लखनऊ नहीं, ये है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बस सही नीचे उत्तर को चुनिए, तो यहाँ देख लीजिए और इसका उत्तर आपको चुनना है कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा इलाहाबाद, कौन सा? इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर किस किस में पहला है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए और बी में, तो इलाहाबाद के बाद आएगा कौन सा है? इलाहाबाद के बाद आएगा गाजियाबाद, तो एक के बाद तीसरा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, उसके बाद आ जाएगा आजमगढ़ और उसके बाद लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सूची एक का सूची दो से मिलाना, एक तब दिए गए संस्थान और तब उनके स्थान, तो इसको मिलाना है और आपको बताना है कि कौन कहाँ पर स्थित है, तो फटाफट से मिलाइएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है लखनऊ में, तो ए का कौन सा हो जाएगा? चौथा, तो यहाँ पर मैं चौथा लिख लेता हूँ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आगरा में, तो बी का हो जाएगा तीसरा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद, कौन? इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, तो ये है कानपुर में, इसका हो जाएगा डी का दूसरा, तो कौन सा बनेगा ऑप्शन 4312, तो आप देख लीजिए किस में 4312, तो ये किस में, तो ये 4312, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ दिए गए सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, तो एक तरफ दिए गए नगर और एक तरफ दिए गए हवाई अड्डे, तो इनका मिलान करना है, तो आप बताइएगा लखनऊ में कौन सा है, तो आप जानते हैं लखनऊ में अमौसी, तो ए का हो जाएगा तीसरा। वाराणसी में कौन सा है, तो वाराणसी में बाबतपुर, तीसरे बी का एक से मिलान हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है, चकेरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे से मिलान। और आगरा में कौन सा, ये खेरिया, तो इसका हो जाएगा दूसरा, तो है 3142, तो कैसे ऑप्शन में 3142, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, एक तरफ दिए गए उनके जनपद, एक तरफ दिए गए मुख्यालय, तो पहला जनपद जलन मुख्यालय कहाँ है, तो ये है उरई में, तो ए का हो जाएगा चौथा। कानपुर दियात
तो ये है अकबरपुर में, तो पी का पहला। संत रविदास नगर का कहाँ पर है बताइएगा, संत रविदास नगर का कहाँ पर है, तो ई है नवगढ़ में। कहाँ नवगढ़ में, इसका हो जाएगा दूसरा। और कुशीनगर तो इसका कहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा पड़रौना, तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो कौन सा होना चाहिए, 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ दिए गए सूची एक का सूची दो से मिलान करने, एक तरफ दिए गए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला और एक तरफ दिए गए उनके स्थान, तो आपको बताने कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। तो पशु मेला कहाँ पर लगता है, तो अब आप जानते हैं कि पशु मेला लगता है बटेश्वर में। कहाँ पर, बटेश्वर में लगता है। तो ए का मिलान किससे हो जाएगा, इसका हो जाएगा तीसरे से। दुर्पद मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में लगता है दुर्पद मेला, तो इसका हो जाएगा पहला। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है वाराणसी में, तो इसका हो जाएगा चौथे से मिलान। और माघ मेला कहाँ पर लगता है, तो ये माघ मेला लगता है अंबेडकर नगर में। कहाँ पर, नहीं सॉरी मैं गलत बता गया हूँ आपको, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वैसे फिर से बताता हूँ कौन कहाँ पर लगता है माघ मेला, तो आप जानते ही लगता है इलाहाबाद में, तो डी का पहले इससे मिला लेते हैं। और पशु मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बटेश्वर में, तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो आप बताएं कि दुर्पद मेला कहाँ पर लगता है, तो दुर्पद मेला लगता है ये लगता है वाराणसी में, तो इसका हो जाएगा चौथे से मिलान। तो गोविंद साहब मेला लगता है, ये लगता है अम्बेडकर नगर में, दूसरा से मिलान। 3-4-2-1, तो किस ऑप्शन में, 3-4-2-1, तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन प्रैक्टिस सेटों में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।